हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGX लाइफ। हाय बच्चों, अब बच्चे जा रहे हैं आज वापस अपने घर। हम जा रहे हैं बच्चों को ड्रॉप करने। अपने अपने नाम बताओ जल्दी। शौर्य अतिक्ष। फुल नेम? शौर्य अतिक्ष बघेल। चलो, और इसको अभी सनरूफ में एक बार खड़ा होना है, तो चलो एक बार इसे खड़ा कर दो, अगर खड़ा कर सकते हो थोड़ा धीमे चला के। आई नो नॉट अ सेफ, बट एक बार थोड़ा सा जहाँ धीमे चला सको वहाँ पर उस कर दो। उसका मन कर रहा है, वो घर से ही बोल रहा था। फोटो नहीं आ पाई, पर तेरी सेल्फी अच्छी नहीं आ पाई। अभी देखी मैंने, इतने अच्छे से नहीं आ पाई। एक बार ना, अब की बार जब तू आएगा तो तू खड़ा हुई है, मैं सामने से उतर के फोटो खींचूंगी, तब अच्छी आएगी। ठीक है, चल। ओके डन। घनिष्ठ, जब से आपने न्यू कार ली है, आपने मुझे मतलब सिंगल हम दोनों की अभी तक एक भी डेट नहीं हुई है। आपने ना मुझे कहीं ट्रीट किए, नहीं ना तो अभी तक एक कॉफी भी नहीं पिलाई। चलो तो आज इसी आके कॉफी भी नहीं चल। चलो आज मेरा गुच्छू घर है, तभी तो कह रहा हूँ। हाँ ये तो है, वो कॉफी पीने तो देता नहीं। चलो तो देखते हैं, अभी हमें कॉफी पिलाते नहीं पिलाती है, सिर्फ हम ऐसे बेकार हैं। अभी जब से न्यू कार आई है तब से हम ऐसे अकेले, अभी तक हमने एक भी अपनी डेट नहीं की है। और हमारी शादी से पहले मोस्टली डेट मूवमेंट मॉल और सीसीडी में। अगर यादें ताजा करनी है तो सीसीडी। चलो देखते हैं। देखो गणेश ने क्या बोला था अभी कि मुझे लेके जाएंगे कॉफी के लिए, पर भैया मुझे कॉफी के लिए नहीं लेके गए। और मैंने कहा मुझे ठीक है कुल्हड़ की चाय पीनी है, तो यहाँ पर कुल्हड़ की चाय भी अवेलेबल है। और देखो चाय अवेलेबल नहीं है। शिट, चलो सबको सच बताओ। इन्होंने मना कर दिया मुझे नहीं पीना, मैं कुल्हड़ चाय पीना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ कुल्हड़ चाय यही मिलती है नमकीन, तो यहाँ भी अभी कुल्हड़ चाय नहीं है। ये सच है, मैंने कॉफी पीने से मना कर दिया था। हमारे हाथ की कॉफी पीनी पड़ेगी, मैं ऐसा लग रहा है। धनी तुम कभी मेरे लिए ऐसे नहीं कर सकते कि कहीं से भी ढूंढ के कि वो होता ना नहीं एक मोहब्बत में इंसान कहीं से भी ढूंढ के तब होता है डिसाइड कि हमें पीना क्या, कभी कॉफी पीनी कभी चाय पीनी है कभी कुल्हड़ वाली पीनी है, मतलब एक ना फिक्स होता है पहले मेनू, पीना क्या है। इंसान उसके लिए शिद्दत से भागे पीछे जनरली वो चाहिए। अगर मैं बोलूं मुझे कुल्हड़ की चाय दे, हम ला के लाएंगे कुल्हड़ की चाय, या गाजर लेके जाए। और बता, आइडिया ड्रॉप गुच्चू घर पे, सॉरी वही तो है। एक कुछ ऐसा करो ना, यहीं बैठे बैठे आ जाए। ऑर्डर मारो कि हम कुल्हड़ चाय भी आ जाएगी जो मैटर जिंदा। ये सब इमेजिनेशन होती है, शादी के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है ये देखो, ऐसे लोग बदल जाते हैं। होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि बिल्कुल भी कष्ट नहीं लेना चाहते। चाय पिलाते पिलाते कोई मोमोज खा रहा है, ये देख लो देख लो देख लो देख लो किसी को वाले हैं। तो मार्केट नवरात्रों की वजह से आप ये दिवाली तो कैसे सजा रहेगा ना, हमेशा ही सजता है ना, प्यारा सजा रखा है। जो हमने अभी कल परसों पिज्जा खाया था, अब हम वो पिज्जा पैक करा रहे हैं आज घर के लिए। आज हम वो मम्मी को भी टेस्ट कराएंगे, मम्मी पापा को भी। कॉफी हम पियेंगे फिर कभी बाद में, अपनी कोई छोटी सी डेट रखेंगे हम फिर कभी बाद में, क्योंकि आज गुच्चू भी साथ नहीं है तो अभी करेंगे हम बाद में। अभी मेरा आज कहीं उतरने का मन नहीं था बिल्कुल भी, मेरा मन था मुझे यही बैठे बैठे कुल्हड़ चाय मिल जाए, चूंकि मुझे नहीं मिली, पर इट्स ओके। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मुझे घर पे कॉफी पिलाएंगे। कॉफी पिलाओगे ना? प्रॉमिस नहीं है, लेकिन मैं पिला दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं किया। कभी तो पिला दिया करो, कभी तो नहीं, ये बात है प्रॉमिस किया है नहीं किया।
कभी तो पिला दिया करो। मैंने बोला मैं पिला दूंगा, सच बोला जाएगा। एक कॉफी बनवाने के लिए भी किस किस को अपने पति से ऐसे मिन्नतें करनी पड़ती है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नहीं यार मिन्नत, और जब इनको पीनी होती है तो हम बना देती हैं। यहाँ मिन्नत नहीं हो रही, यहाँ हो रहा है प्रॉमिस किया है या नहीं किया। तुमने मुझे ऐसा बोला कि मैं, मैंने अभी बोला मैं पिला दूंगा, लेकिन तो वो बोलना ही प्रॉमिस होता है। ओ माय गॉड, मर्द की जुबान। बस मर्द को इसी नाम पे तुम्हें ब्लैकमेल कर रखा है।